अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवीद हुसैन। वेलकम टू DW एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास इक्वेशन गिवन है x/(x+1) + x+1)/(x=6)। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो हमने पढ़ी है ax² + bx + c = 0, तो इसको सॉल्व करके आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ पर बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। आपके पास मैंने ये 3 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 3y² = y(y-5) है, आपने पहले y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे जो टर्म्स यहाँ से बनेंगे उसको लेफ्ट साइड पे ले आइएगा, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले वो बनाइएगा, वहाँ से आप इसके फैक्टर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, आपके पास x²-11x = क्या है, 152 है। सबसे पहले आपने 152 को लेफ्ट साइड पे लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई यहाँ से, वहाँ से आप इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 5x² = 15x। सबसे पहले आपने क्या करना है, 15x को लेफ्ट साइड पे लेके आइएगा, 5x² - 15x = 0 आ जाएगा, वहाँ से 5x कॉमन निकालिएगा, आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो x-3 आ जाएगा, वहाँ से आपके पास 5x = 0 आएगा और x-3 = 0 आएगा, वहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपके पास इक्वेशन गिवन है 7x² + 2x - 1 = 0। तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, ये चैप्टर नंबर 1 की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में ये रिपीट हुई है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, इन वेरिएबल एक्स की जब हम बात करते हैं तो x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास x² के साथ कोफिशेंट 1 है, तो ये a है आपका, a 1 है आपका, b 2 है और c क्या है, -2 है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये चैप्टर नंबर 1 का इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में रिपीट हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, सॉल्व द इक्वेशन √4a + x - √a - x = √a। ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये चैप्टर नंबर 1 का इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट, आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे आपके पास a b c की वैल्यू गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करके आप उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन एक्सप्रेशन k² + 2 k + 1 + x + 4 = a परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है और इस दफ़ा भी इसके आने के काफ़ी चांसेस है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इवेल्यूएट 1 - 3ω - 3ω² √5। आपके पास क्या है, 1 - 3ω - 3ω² √5 है। आपने सबसे पहले यहाँ से -3 को कॉमन निकालना है, आपके पास 1 - 3 ω + ω² आ जाएगा और ω + ω² होता है -1। तो वहाँ से इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा और उसकी पावर 5 लेके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इवेल्यूएट ω·13 + ω·17। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने 1/ω+13 लिखना है +1/ω·17, वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -1 - -7। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, -1 और -7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक क्या फाइंड करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, सेकंडली आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, शो दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी पूछ सकता है ये, और ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। आपने शो करना है कि जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, डिफाइन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 3 की इंतहाई अहम डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में रिपीट हुई है। आपने डिफाइन करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी इफ द रेशोज 2p+5 ratio 2p+4 एंड 3 ratio 4 आर इक्वल। आपके पास क्या है, उसने कहा है कि आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पी, आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास जो रेशो ये वाली है और 3 ratio 4 ये क्या इक्वल है, इसको सॉल्व करिएगा और वहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b² एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4। अब आपने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपने ए फाइंड करना है व्हेन बी इज इक्वल टू 8, जब आपके पास बी क्या होगा 8 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट ये जो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट आता है। आपके पास यहाँ पे 2 terms हैं, आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। आपके पास यहाँ पे भी 2 terms हैं और यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। स्टूडेंट ये जो है चैप्टर नंबर 3 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना। आपके पास गिवन है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। आपके पास ये गिवन है, इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल की पावर में क्या है 2/3। ये के मेथड से सॉल्व होगा और यहाँ से आप इसको इजिली प्रूव कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये चैप्टर नंबर 4 में से है, ये डिफाइन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 4 की, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आई हुई है, आपने ये दोनों डिफाइंस अच्छी तरह से कर लेनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये जो चैप्टर नंबर आपका 4 है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास गिवन है x^5 / x^2+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन। जी तो स्टूडेंट ये थे फर्स्ट 4 chapter के 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने पेपर में जाने से पहले इनको अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।